उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में फीस वृद्धि और स्कॉलरशिप की समस्या को लेकर छात्र छात्राएं अनुप्रिया पटेल के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे। छात्रों की समस्या को सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल गेट के बाहर पहुंचे थे। मंत्री जी ने पहले छात्रों से सवाल पूछा और फिर केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने लगे। इसी बीच जब छात्र ने उनसे मुद्दे पर बात करने के लिए कहा तो मंत्री जी तिल मिला गए। आप मुझे उतनी देर से डायरेक्ट कर रहे हैं, गलत बात है। कभी इतना जो है ना, मेरा मुंह खुलेगा तो फिर आपको खराब लगेगा। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जब आशीष पटेल बाहर निकले वो भारत सरकार की उपलब्धियों को बताने लगे और छात्र ने अपने मुद्दे पर बात करने को कहा और वो मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करने लगा। तिलमिलाए मंत्री जी ने छात्र का फोन छीन लिया, लेकिन मुद्दा गरमाता हुआ देख अब मंत्री जी इस पूरे मामले में सफाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे आए थे जिनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही थी, तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में स्पष्ट है कि मैंने एक बात कही है कि मुझे बच्चों से बात करने दीजिए। तो जब एक पार्टी विशेष से जुड़ा, मुझे बताने की जरूरत नहीं किस पार्टी से होंगे लोग, जो मिर्जापुर के विकास से, अनुप्रिया जी की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान लोग हैं, तो उस पार्टी से जुड़ा एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था और वो बार बार अपने एजेंडे पर बात करने की कोशिश कर रहा था जो उसकी पार्टी का एजेंडा है। मैंने वहीं पर कहा कि आप मुझे बच्चों से बात करने दीजिए, आप ना कि अपने एजेंडे पर बात करने दीजिए। फिर मैंने बच्चों से बात की, बच्चों की जो छात्रवृत्ति का मसला है उसको आज उच्च शिक्षा मंत्री के सामने भी रखा और मुझे हर्ष हो रहा है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने उसको संज्ञान में लेते हुए लखनऊ पहुंच करके उसको हल कराने का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट।